अब आपको बताएं कि सानिहा बल्दिया केस में गिरफ्तार मुलजिम जुबैर उर्फ लाला ने नए इंकशाफात कर दिए हैं। मुलजिम का कहना है कि फैक्ट्री के जनरल मैनेजर मंसूर और शाहरुख ने आग लगाई थी। मुलजिम का ये मौकफ है और आगे मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद साकिब से। मोहम्मद साकिब, केस की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इंफराद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानिहा बल्दिया केस की समाअत हुई और समाअत के दौरान केस में गिरफ्तार वाहिद मुलजिम जुबैर उर्फ लाला की जानिब से ये मौके इख्तियार किया गया, ये बयान दिया गया कि उसको उसके सामने ये सारी वारदात हुई, उसके सामने लोगों को जलाया गया, राख किया गया, दरवाजे लॉक किए गए थे और किसी को भी जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। और ये सब कुछ जो शाहरुख और मंसूर ये फैक्ट्री मैनेजर थे उनकी निगरानी में उनके कहने पर उनके इशारों पर हो रहा था और इन दोनों का ताल्लुक जो है मफरूज मुलजमान से था। अदालत ने मफरूज मुलजमान के हवाले से यह हुक्म दिया है वजारत दाखिला को कि उनके रेड वारंट का इजरा करके उन्हें पाकिस्तान लाया जाए और उन्हें फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए, जबकि इनके अलावा केस की समाज जो है वो भी मुलतवी कर दी गई है और मुतासरीन की फरीक बनने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया राजा साकिब।